सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज के इस सुंदर दिन के लिए। आज परमेश्वर ने हमें एक नया दिन दिखाया फिर से, और हम उसमें आनंदित और मगन रहने पा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और हमारा बल है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। मैं परमेश्वर पिता का हर बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं विक्ट्री इन जीजस परिवार से लगभग 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ, और विक्ट्री इन जीजस परिवार के द्वारा मैंने बहुत सारी आशीषें पाई हैं। मैं वचन में बहुत आयत से बढ़ने पाई हूँ, मेरी आत्मिक उन्नति हुई है, और मैं वचनों को जब रोज इस ग्रुप में रोज संध्या के समय में 7 बजे से प्रार्थना होती है, प्रार्थना सभा होती है, और उसमें मैं रोज जुड़ती हूँ, और मैं बहुत वचनों को सीखने पाई हूँ, समझने पाई हूँ। मेरे जो पहले मैं सिर्फ पढ़ती थी और सिर्फ संडे संडे को चर्च जाके और जो वचन सीखती थी, उससे मेरा उतना ज्ञान नहीं हुआ जितना मेरा ज्ञान इस विक्ट्री इन जीजस परिवार में जुड़ने से और इसकी संगति से जो मैं लाभान्वित हुई हूँ, मैं वो मेरे लिए बहुत ही उत्तम है। और मैं परमेश्वर पिता का इस उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद करती हूँ, अपना हाथ उठाकर धन्यवाद करती हूँ। और मेरा परिवार जो है वो 2019 में जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उस समय में मेरे परिवार बहुत ज़्यादा कर्जे में था, और मेरी शुगर लेवल, मेरा सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गया था, और मेरी शुगर लेवल बहुत हाई हो गई थी। और इस समय में विक्ट्री इन जीजस ग्रुप के हर एक प्रार्थना योद्धा ने मेरे लिए प्रार्थना की, और हर एक बात के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग निकाला, और हर एक प्रार्थना योद्धाओं का प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया परमपिता ने, और मेरे हर एक कर्जे उतरे, मेरे जीवन से दूर होने पाए हैं। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है, और मेरी शुगर लेवल नॉर्मल लेवल पर आने पाया है। मेरे बच्चों को बहुत अच्छे आशीष मिली है। मेरी बेटी जो इंटरनेशनल प्लेयर है आर्चरी की, उसे बहुत सारे मेडल मिलने पाए हैं, और सारे मेडल, कई बार ऐसी विकट परिस्थितियां थी, विपरीत परिस्थितियां थी कि वो मेडल जीतना, उसे लग रहा था कि वो मेडल कभी भी मेडल तक पहुंच ही नहीं पाएगी, परंतु हर एक प्रार्थना योद्धा के द्वारा उसके लिए लगातार प्रार्थना की जाती रही है, और परमेश्वर पिता ने उसे मेडलों से नवाजा है। और एक समय तो ऐसा था, एक मेरी गवाही है मेरे जीवन के लिए, कि वो चंडीगढ़ में खेलने गई थी, और उस समय में उसके बो की स्ट्रिंग, वो आर्चरी खेलती है तो उसके बो की स्ट्रिंग जो है वो टूट रही थी, और उसे मालूम नहीं था कि उसकी बो की स्ट्रिंग टूट रही है, और बो की स्ट्रिंग के द्वारा ही तीर आगे फेंका जाता है, और वो अगर टूट जाए तो ये तीर आगे फेंका नहीं जा सकता। और जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उन कॉम्पिटिशन में बच्चों को अपने बो का नाम लिख के देना पड़ता कि आप किस कंपनी का बो चला रहे हैं और आपका बो का नंबर क्या है, और अगर बीच में आपके बो में कुछ खराबी होती है या टूट जाता है तो आप उस बो को नहीं चला सकते हैं। और परमपिता का ये धन्यवाद करती हूँ, और पूरे विक्ट्री इन जीजस परिवार का धन्यवाद, हर एक प्रार्थना योद्धाओं का तहे दिल से धन्यवाद कि सब ने उसके लिए प्रार्थना की, और उसका स्ट्रिंग जो है वो पूरे कंपटीशन में टूटने नहीं पाया, और उसे 3-3 गोल्ड मेडल मिले उस कंपटीशन में। ये परमेश्वर पिता का मैं हाथ उठाकर धन्यवाद करती हूँ कि ये उसके जीवन की बहुत बड़ी गवाही है कि उसे 3-3 गोल्ड मेडल उस कंपटीशन में मिलने पाए जब उसके स्ट्रिंग टूट रही थी। और जैसे ही वो वापस जबलपुर पहुंची है और उसने अपना बो खोला, और जब वो प्रैक्टिस करने के लिए गई और पहला ही एरो उसने उसमें लगाया और वो स्ट्रिंग टूट गई, और उसे उससे चोट भी लगी, उस मेरी बेटी को उससे चोट भी लगी उस स्ट्रिंग से, क्योंकि वो खींचते हैं और उसके बाद में वो छोड़ती है, तो वो उतनी ही फोर्स से वो उसके शरीर से टकराई और उसे चोट लगी। तो ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह रहा कि कंपटीशन में उसको जहाँ मेडल मिलना था
वहां पर वो ना टूटी और उसे तीन तीन गोल्ड मेडल से नवाजा परमेश्वर पिता ने। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का हाथ उठाकर धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ विक्ट्री इन जीजस परिवार के हर एक प्रार्थना योद्धाओं का। हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन सब ने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की, उसको अपनी प्रार्थना में उठा के रखा और परमेश्वर पिता ने हर एक की प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। मैं हर एक बात के लिए विक्टर इन जीजस परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा बेटा बीमार था और जब वो भोपाल में रह रहा था और अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और उस समय में वो बीमार हो गया और उस समय में भी विक्टर इन जीजस परिवार में उसके लिए हर समय प्रार्थनाएं की गई और उसको तीन दिन में चंगाई मिलने पाई। मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर पिता का हाथ उठाकर धन्यवाद करती हूँ और हर एक प्रार्थना योद्धा का भी धन्यवाद करती हूँ कि हर एक प्रार्थनाओं में मेरे परिवार को ऊपर उठा के रखता है और परमेश्वर पिता हर एक प्रार्थना योद्धा का हाँ उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। हर एक बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। विक्ट्री इन जीजस परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इस विक्ट्री इन जीजस परिवार की सभाओं से रोज लाभान्वित होती हूँ और हमारी सभाएं जो हैं वो सुबह मॉर्निंग डिवोशन होता है, दोपहर सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक मॉर्निंग डिवोशन होता है, दोपहर में प्रार्थना पर्वत की सेविकाई होती है जिसमें हम सब मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं और ये हमारी सभा जो है वो 3:30 बजे से लेके होती है और रात को 7 बजे से पारिवारिक प्रार्थना सभा होती है जिसमें हम सब जुड़कर और जो हमारे गेस्ट स्पीकर होते हैं उनके द्वारा वचनों से आशीषित होते हैं। मैं हर बात के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।